अभी जा रहे हैं दूसरी पैकिंग करने मायके जाने की। तो ये है मेरा बैग। नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हम। कौन आया हमारे कमरे में आज? कौन आ गया ये देखो, आज कौन आया है? पीहू डैडी आ गए रूम पे। आप बताइए आपको क्या क्या सामान रखना है अपना। अरे वाह यार, पैकिंग हो रही है भाई। आज तो पैकिंग हो रही है, पीहू की भी पैकिंग चल रही है। क्या रखें क्या नहीं रखें हमको समझ में ही नहीं आ रहा। कल कहाँ जाएगी पीहू बताओ? कल जाएंगे हम नन्नू के घर। नन्नू के घर। आप बताएं आप क्या पहनेंगे। सो गाइज, ये जो व्लॉग है ये कल जो आपने देखा था उसी के आगे मैंने कंटिन्यू किया है। कल वाला मैंने वहीं पे फिनिश कर दिया था। डिनर के बाद ही मैंने यहाँ पे अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। हमें जाना है मायके अपने, मतलब हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वर्मा जी जा रहे हैं अपने ससुराल। तो उसी की मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। क्यों जा रही हूँ वो आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी। वैसे मतलब क्यों जा रही हूँ, नॉर्मल है कि ससुराल आए हैं तो मायके भी जाना बनता ही है मिलने। तो लेकिन कुछ एक और भी रीज़न है। और यहाँ पे पीहू भी अपना कुछ कुछ काम कर रही है, मैं देख रही हूँ क्या क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, साथ में पीहू को भी बहुत खुशी हो रही है कि उसे अपने नानू से मिलने को मिलेगा और नन्नू से मिलने को मिलेगा। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लड़कियों को होती ही है मायके जाने की खुशी। तो ये सब भी कपड़े मैंने निकाले हैं, ये स्वेट शर्ट है, ये स्वेटर है, ये तो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको मैं रख देती हूँ। मुझे तो लगा तुम्हें तो काली दवाई देनी है। I am here, I am. देखो देखो कौन आया, लो आते ही फोन आया। अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं वर्मा जी। देखो सुबह से शाम तक तो अपना ऑफिस खेलते हैं, और अब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है। तो मैं पैकिंग कर रही थी तो वर्मा जी बोले कि चलो चलते हैं बाहर, तो वही मुझे यहाँ लेकर के वो आ गए हैं। हम पीहू और मतलब मैं पीहू और वर्मा जी तीनों लोग ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। वो घर पे सारा दिन ऐसे काम करते करते थोड़ा बोर हो जाता है ना, इसीलिए वो बोले कि चलो चलता हूँ बाहर, थोड़ा सा गाड़ी से ही घूम के आएँगे, उतरना तो नहीं है। सो बस हम लोग बाहर गए थे थोड़ी देर, बाहर ऐसे ही लॉन्ग, मतलब लॉन्ग ड्राइव नहीं, थोड़ा सा बस ड्राइव किए, उसके बाद घर वापस आ गए थे। ये रेड वाला बैग खाली क्यों नहीं किया तुमने? इसमें कंबल भरे हुए हैं, कहाँ खाली कर दूं? कंबल निकालो। बाहर क्यों भाई? नीचे नीचे रखिए, ब्लैंकेट
क्या क्या भर रहे हैं आपको पता भी होना चाहिए, बस भरते ही जा रहे हैं जो बिस्तर में। गई तो चली गई। तो गाइस अभी हम लोग लेट चुके हैं, अंधेरा हो गया है, लाइट बंद है और मैं और पीहू यहाँ पे सब लोग लेटे हुए हैं। चलिए कल सुबह मिलते हैं। पीहू तो अपना सामान ले जाती है। बेटू वो नहीं है आपका? अभी मैं आपका पहुँचा रही हूँ। अच्छा मेरा पहुँचा रही हो। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी जर्नी पीहू। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हम लोग निकल चुके हैं कहाँ, कहीं जाने के लिए जा रहे हैं आज हम लोग ग्रेटर नोएडा। कहाँ जा रहे हैं? ग्रेटर नोएडा निकल के लिए निकल गए हैं। चलते हैं, आप लोग को भी आज पहली बार अपनी देवरानी जी से मिलाते हैं, देवर देवरानी जी से। और सुबह का क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं और मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, देखते हैं कब करते हैं। तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ, मतलब हम निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कल मैं आपको बोल रही थी कि मैं मायके जा रही हूँ और ग्रेटर नोएडा क्यों। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं बाई रोड, जैसा कि आप देख रहे हैं कार से हम लोग निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ मैं आपको ले कर चलूँगी पहले। तो आज मैं आपको वहीं मतलब वहीं चलेंगे हम, आपको मैं मिलवाऊँगी आपको सब लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर से। सो आपको भी अच्छा लगेगा, व्लॉग में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा और हम लोग भी मिल लेंगे ऐसा सोच के हम लोग निकले हैं अपने घर से। और मौसम बहुत ठंडा है, कोहरा है, देखिए आपको बाहर दिख भी नहीं रहा होगा। अच्छा कैसे से 20 किलोमीटर और बाकी है और पीहू इधर बैठी हुई है। वर्मा जी कैसा लग रहा है जब आपको रोड ड्राइव करके? वेरी गुड। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग रोड ट्रिप पे निकले हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। ब्रेकर तो होते हैं बेटा रोड पे। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा, अब बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे देवर जी के घर, है ना? Yes. पहली बार आज मैं अपने देवर देवरानी के घर जा रही हूँ। पीहू को बहुत सारे भाई बहन मिलेंगे, है ना? अरे वाह, अब आप भी ब्लॉग में आएंगे हमारे देवर जी हैं आप हमारे। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सबसे मिलवाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।